शाहरुख खान की फिल्म पठान का फैंस को बेसब्री से इंतजार है। फिल्म 25 जनवरी को रिलीज होने वाली है, लेकिन पठान के रिलीज से पहले अहमदाबाद के मॉल में फिल्म के प्रमोशन को लेकर बहुत हंगामा हो गया है। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मॉल में आकर थिएटर में जमकर तोड़फोड़ की है। 4 जनवरी को अहमदाबाद से एक बेहद शॉकिंग वीडियो सामने आया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अहमदाबाद के अल्फा वन मॉल में पहुंचकर जमकर फिल्म पठान को लेकर विरोध किया। इसके साथ ही शाहरुख खान के पोस्टर्स भी फाड़े। मॉल के अंदर घुसे बजरंग दल के कार्यकर्ता शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म को लेकर काफी गुस्से में नजर आए। मॉल के अंदर कार्यकर्ताओं को पठान के पोस्टर फाड़ते और तोड़ते हुए देखा गया। विरोध प्रदर्शन के साथ ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पठान रिलीज न करने के लिए चेतावनी भी दी है। साथ ही मॉल में जय श्री राम के नारे भी लगाए गए। मॉल में हंगामे के बाद वहां मौजूद लोग परेशान हो गए। बजरंग दल के अध्यक्ष ज्वलित मेहता का कहना है, दीपिका पादुकोण ने जो कपड़े पहने हैं उसका विरोध करते हैं। पठान जो फिल्म है वो लव जिहाद को बढ़ावा देती है, इसलिए हम इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देंगे। बता दें कि 12 दिसंबर को पठान फिल्म का पहला गाना बेशरम रंग रिलीज किया गया था। इस गाने में दीपिका पादुकोण की भगवा बिकनी पर विवाद खड़ा हो गया है। कई संगठन का कहना है कि भगवा रंग आस्था का प्रतीक है। भगवा बिकनी पहनकर दीपिका पादुकोण ने आस्था का अपमान किया है। बेशरम रंग रिलीज के बाद से ही पठान को लेकर कई जगह विरोध किया जा रहा है। हालांकि हाल ही में सेंसर बोर्ड ने पठान फिल्म में बदलाव के आदेश दिए हैं। CBFC के चेयरपर्सन प्रसून जोशी ने पठान को लेकर कहा है कि सेंसर बोर्ड हमेशा ही क्रिएटिविटी और दर्शकों की संवेदनशीलता बैलेंस बनाकर रखने की कोशिश करता है, इसलिए पठान में भी जरूरी बदलाव किए जाएंगे। बेशरम रंग को लेकर अब तक बहुत लोग बहुत कुछ कह चुके हैं। हालांकि अब तक इस पर मेकर्स या फिर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया है। शाहरुख खान लगातार अपने अंदाज में पठान का प्रमोशन करते हैं, यहां तक कि रिलीज से पहले ही विवाद का फिल्म के गानों को लेकर फायदा होता दिख रहा है। तमाम विवादों के बावजूद बेशरम रंग ने महज 10 दिन में 100 मिलियन व्यूज हासिल कर लिए हैं। बता दें कि फिल्म में शाहरुख और दीपिका के अलावा जॉन अब्राहम भी हैं, जो फिल्म में विलन के रोल में दिखाई देंगे। खैर, देखने वाली बात तो अब ये होगी कि विरोध के बीच 25 जनवरी को रिलीज हो रही पठान का बॉक्स ऑफिस पर क्या हाल होता है। वैसे आपका इस खबर पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही बॉलीवुड से जुड़ी खबरों को जानने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए।